नवीनतम खेती पर किसान अब जोर दे रहे हैं। ऐसे ही तस्वीर खगड़िया से निकलकर सामने आया है, जहां इंजीनियर बेटा अमेरिका से नए खेती का टिप्स पिता को देते हैं और पिता खगड़िया में कश्मीरी बैर की खेती करते हैं। अपने को आर्थिक रूप से सशक्त करने को लेकर किसान अब परंपरागत खेती के साथ साथ नवीनतम खेती पर भी जोर दे रहे हैं। यही कारण है कि अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पिता ने खगड़िया में लाल बैर की खेती की, जो बैर बिल्कुल कश्मीरी सेब की तरह न केवल दिखता है बल्कि स्वाद में भी मीठा और दुगुनी आमदनी देने वाला है। स्वाद में कश्मीरी सेब भी इसके सामने फीका नजर आता है, जिससे बाजार में इसकी दाम बमांग बढ़ गया है। खगड़िया सदर प्रखंड सनौली ग्राम निवासी किसान चंद्रकांत सिंह अपने आवास में 22 कट्ठे खेत में आज से 6 महीना पूर्व लाल बैर की खेती की, जिसका फसल अब तैयार हो गया है। सेब जैसा दिखने वाला यह फसल का डिमांड काफ़ी बढ़ गया है। व्यापारी 50 से 60 रुपये किलो के हिसाब से इसे लेने को तैयार हैं। किसान की माने तो अगर इस बैर का यही डिमांड रहा तो इस सीज़न 1.5 लाख से 2 लाख रुपए कमाई की जाएगी, जबकि इस खेती में करीब 40,000 से 50,000 रुपए ही खर्च आए हैं। कश्मीरी एप्पल बैर है, एक एकड़ में हम लगाया। क्या लागत पड़ा है? क्या लागत इसमें लगभग 40,000 के आसपास पड़ा है। अच्छा, ये कैसा बैर है? जनरल बैर से कितना अंतर है? जनरल बैर तो ग्रीन कलर का होता है, उसका टेस्ट थोड़ा फीका होता है। अच्छा, और इसका कलर आप देख ही रहे हैं, ये सेब के कलर का है और इसका बनावट भी सेब के तरह है और ये काफी मीठा होता है। अच्छा, वजन इसका 50 से 60 ग्राम तक का एक फल आता है। कैसे खेती किए हैं? कहाँ से ये पौधा लाए हैं? कैसे ये पौधा? हम बंगाल के 24 परगना से हम मंगाए, एक मुखर्जी दादा हैं, उन्हीं के यहाँ से ये पौधा मंगाए थे। कितने दिन में ये पौधा तैयार होता? ये पौधा हमारे यहाँ 6 महीने का अभी है। क्या इसमें लागत लगा है और क्या आमदनी हो सकती? लागत तो 40 से 42 हजार लगा है और प्रथम वर्ष लगता है कि इससे 1 लाख रुपए तक आएगा और भविष्य में ये उम्मीद है कि अब तो कोई खर्च है नहीं, लेकिन सालाना पौधा में भी विकास होगा और 1.5 से 2 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाएगी हर साल। परंपरागत खेती जैसे मकई गेहूं को छोड़कर आप बैर की खेती कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, उसमें हमने और किसानों से बात किया और हम करके भी एक आध बार देखे हैं गेहूं और मक्का का, तो उसमें वो जो दोगुना प्रधानमंत्री का जो सपना है कि किसान का आय दोगुना हो, वो परंपरागत खेती से नहीं संभव है। वो हॉर्टिकल्चर में ही आए, सब्जी की खेती करें, फल का पौधा लगाएं, तभी आय दोगुना से 3 गुना तक बढ़ सकता है। परंपरागत खेती में ये संभव हमको तो नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, ये आइडिया आपको मिला कैसे? ये आइडिया हमको हमारे लड़का से मिला। क्या करते हैं आपके लड़का? लड़का हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी USA में है। बताइए। बैर बहुत सुंदर और मीठा है, कश्मीरी सेब की तरह है और हरा बैर जो है उससे कई गुना ही अच्छा है खाने। अच्छा, कैसे? कितना बड़ा है? क्या टेस्ट है इसका? टेस्ट सेब की तरह टेस्ट है इसका। अच्छा लगता है खाने? अच्छा लगता है बिल्कुल।